Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे. Guys, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ बिल्ड स्किल ब्रांड के ब्लोअर के बारे में. तो guys, दिवाली हो चाहे होली या फिर कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें अगर आपको अपने घर को क्लीन करना हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी खासी आपको मशीन मिल जाती है जो कि ब्लोअर है. ये ब्लोअर आप देख सकते हो गाइस, ये है बिल्ड स्किल ब्रांड का. यहाँ पे इसकी आपको ब्रांडिंग भी दिख जाएगी गाइस. एक चीज़ मैं बता दूँ, बिल्ड स्किल का मैंने ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उसका रिव्यू कर रखे हैं अपने चैनल पे, आप जाके उसे भी देख सकते हो. काफ़ी अच्छे अच्छे जो इसके प्रोडक्ट आते हैं वो यूज़फुल होते हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते. इस वीडियो में मैं आपको इसका डेमो करके भी दिखाऊंगी, प्लस अनबॉक्सिंग जो करूंगी वो आप लोग के जस्ट सामने ही करूंगी. तो चलो फटाफट इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ. तो गाइस, ये है कुछ इस तरीके का बॉक्स, आप देखो. यहाँ से हम करेंगे इसे ओपन और इसमें मैं देखूंगी कि इसमें मेरे को क्या क्या मिला. वो सबसे पहले तो ये आप जो देख सकते हो, हर एक ब्लोअर में उसका आगे का नोजल मिला होता है, ये एक इसमें आपको मिल जाता है. बाकी एक ये जो मशीन है, जो हमारा मेन यूनिट है, ये है. काफ़ी हैवी में है ये, और हम देखते हैं इस पर क्या मिला हुआ है. अगर आप इसे गाइस माउंट करना चाहते हो तो माउंट करने के लिए भी इसमें आपको दिया हुआ है. तो और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपको एक मेजरिंग स्केल दिया हुआ है. तो इसको रखते हैं थोड़ा साइड. तो सारे गाइस, अनबॉक्सिंग मैंने आपको की, इसमें क्या क्या दिए हुए हैं. अगर आप माउंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको दे रखा है. स्क्रू भी इसमें आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो भी इसमें दिया हुआ है. तो चलो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. गाइस, ये है मशीन जो कि काफ़ी हैवी में दिया हुआ है. इसका जो बॉडी मटेरियल है बहुत ही अच्छा, फाइन एक आपको लुक देता है. बात करें गाइस इसके, अगर हम इस कॉर्ड के लेंथ के, कि इसका लेंथ आपको 3 मीटर का दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा आपको लंबा लेंथ मिल जाता है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको इसमें दिया हुआ है. सामने में एक ऐसा कैप दिया हुआ है, इस कैप को निकाल के आप ये वाला जो है मैंने दिखाया इसको यहाँ से सेट. तो गाइस, ये जो नोजल है आप इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर सकते हो. फिक्स करना काफ़ी ईजी है, देखिए मैंने फटाक से कर भी दिया. गाइस, यहाँ मिलता है आपको एक बटन इसे ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर साइड में मिलता है एक क्लोज बटन. जैसे कि अगर आपका मशीन मान लीजिए रन करा रहे हो, आपको हमेशा इसको ऐसे प्रेस करना ना हो, उसके लिए आपको ये दिया हुआ है लॉक बटन. अगर आप लॉक कर देते हो तो आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर ऐसे जैसे ही बटन आप प्रेस करते हैं ये अनलॉक हो जाएगा. तो ये सिस्टम आपको एक दिया हुआ है. साइड में गाइस एक नेट भी दिया हुआ था जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जितने भी डस्ट पार्टिकल, सॉरी, जो थोड़े बहुत वैसे पार्टिकल्स होंगे जो अंदर फंस जाए उसके सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक आपको नेट भी दिया हुआ है. तो इतने सारे चीज़ इसमें दिए हुए हैं. बाकी का इसकी क्वालिटी मैंने बताया, काफ़ी अच्छा है. अच्छा मतलब हेवी में ये मशीन भी है. अगर आपको इसकी ज़रूरत ना हो यूज़ करने के बाद, आप ये कैप अगेन से मतलब इसको क्लोज करके रख सकते हो ताकि उसके अंदर कुछ जाए ना. चलिए, इतना कुछ मैंने बताया. इसके अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं. गाइस, इसके अगर अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर 575 वाट का आपको मिलेगा. इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का दे रखा है. आरपीएम 1600 है. एयर फ्लो 222 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये रन करता है. कैपेसिटी आपको 400 mm स्क्वायर इसका दे रखा है. तो ये काफ़ी अच्छा है. इसका स्पेसिफिकेशन भी आपको मैंने दिखा दिया. तो गाइस, इतने सारे इसके वो थे. बाकी इसका मैंने जो क्वालिटी है वो आपको दिखा ही दिया. तो चलो अब इसको थोड़ा सा हम डेमो करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं. आज का वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा. और अगर इसमें कुछ आपको डाउट हो या फिर इस ब्लोअर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो. और जिनको ये प्रोडक्ट अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक भी दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके आप इसे परचेज भी कर सकते हो. तो गाइस, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.